वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है आपका 16 जून और 16 जून की करंट अफेयर में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स के अनुसार दुनिया भर में 5वीं सबसे बड़ी उपभोक्ता वित्तीय सेवा कंपनी कौन बनी। ठीक है, तो देखिए एचडीएफसी बैंक, ठीक है, भारत की एचडीएफसी बैंक विश्व की 5वीं सबसे बड़ी उपभोक्ता वित्तीय सेवा कंपनी हाल ही में बन गई है। तो देखिए अमेरिका की एक प्रतिष्ठित पत्रिका है फोर्ब्स, ठीक है, उसके अनुसार हाल ही में एक रैंकिंग जारी की गई है दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता वित्तीय सेवा कंपनियों की, तो जिसमें भारत की एचडीएफसी बैंक को 5वां स्थान मिला है। और इस सूची में पहले स्थान की बात करें तो देखिए इस सूची में पहले स्थान पर अमेरिकन एक्सप्रेस संस्था है, ठीक है, अमेरिकन एक्सप्रेस संस्था इसमें पहले स्थान पर है और भारत की एचडीएफसी बैंक 5वें स्थान पर है। जबकि चीन की बात अगर हम बात करेंगे तो चीन की आईसीबीसी बैंक भी इसी सूची में है और वो चीन के मामले में पहले स्थान पर है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की एचडीएफसी बैंक 5वें स्थान पर है। देखिए यहाँ पर प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स की बात की गई है तो आपको फोर्ब्स के बारे में जानना होगा क्योंकि ये बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका है। तो देखिए फोर्ब्स एक अमेरिकन बिजनेस मैगजीन पत्रिका है जिसकी स्थापना सन 1917 में हुई थी। तो ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सन 1917 में हुई थी। और इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है तो देखिए इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी जो कि अमेरिका में है। तो आपको इस वीडियो में इतनी चीजें मिल जाती हैं और फिर भी आपको एच डी एफ सी बैंक की फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। तो देखिए एच डी एफ सी बैंक की फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक। और एच डी एफ सी बैंक की स्थापना भी आपसे पूछी जा सकती है, तो एच डी एफ सी बैंक की स्थापना सन 1994 में हुई थी जिसका मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न है, नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो देखिए नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है, यानी कि गुजरात राज्य पहले स्थान पर रहा है जल प्रबंधन के मामले में, ठीक है, जबकि इस रैंकिंग में झारखंड, ठीक है, झारखंड सबसे अंतिम पायदान पर रहा है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गुजरात के बाद की अगर हम बात करेंगे तो देखिए गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र का नंबर आता है, ठीक है, और पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों में त्रिपुरा को शीर्ष राज्य के रूप में चुना गया है। लेकिन ओवरऑल जब इंडिया की बात करेंगे तो गुजरात राज्य वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में पिछले वर्ष पूरे वर्ष के दौरान सबसे पहले स्थान पर रहा है। अब देखिए यहाँ पर नीति आयोग की बात की गई है तो आपको नीति आयोग के बारे में पता होना चाहिए कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए नीति का फुल फॉर्म होता है देखिए NITI, तो इससे बनता है N फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। तो ये आपसे पूछा जाता है, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी सन 2015 को हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और देखिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में राजीव कुमार हैं जबकि सीईओ अमिताभ कांत हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए गुजरात की बात हुई है तो देखिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, वर्तमान में वहां के सीएम विजय रूपाणी हैं। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, हाल ही में कितने राज्यों ने आयुष्मान भारत मिशन को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए हाल ही में 20 राज्यों ने, ठीक है, 20 राज्यों ने आयुष्मान भारत को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने हाल ही में 20 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक AMU का साइन किया है, ठीक है, मेमोरेंडम पर साइन किया है, यानी कि 20 राज्य ने
ने अपनी पूरी सहमति दर्ज की है इस आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए। तो देखिए, आयुष्मान भारत मिशन है ये हेल्थ से संबंधित है, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी योजना है। तो इसको 20 राज्यों ने लागू करने पर अपनी सहमति दर्ज करा दी है। ठीक है, तो इस अवसर पर कुछ मंत्री जैसे अनुप्रिया पटेल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अमिताभ कांत, सीईओ नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं, ये सभी लोग वहां पे मौजूद थे इस अवसर पर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हुआ, 20 राज्यों ने हाल ही में इस पर सहमति दर्ज की है। तो देखिए, आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इस समारोह में काफी यहाँ पर मंत्री उपस्थित हैं। आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस हाल ही में कब मनाया गया। तो देखिए, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया गया है, यानी कि 14 जून को मनाया गया है, यानी कि कल के दिन मनाया गया। तो हर साल 14 जून को विश्व भर में रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और देखिए, इस साल की अगर हम बात करेंगे तो विश्व रक्तदाता दिवस 2018 का जो विषय है वो है बी देयर फॉर समवन एल्स, गिव ब्लड शेयर लाइफ। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपसे बोलता हूं, बी देयर फॉर समवन एल्स, गिव ब्लड शेयर लाइफ, ये इतना बड़ा टाइटल है, यही इस वर्ष के विश्व रक्तदाता दिवस का थीम है। ठीक है, या फिर सब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो ये जो विश्व रक्तदाता दिवस है ये किस लिए मनाया जाता है, तो देखिए, ये कार्यक्रम रक्त देकर यानी कि ब्लड डोनेट करके जीवन को बचाने के स्वैच्छिक अवैतनिक रक्तदाताओं को धन्यवाद करता है और सभी नागरिकों को प्रोत्साहित भी करता है कि सभी लोग ब्लड डोनेट करें। ठीक है, यहाँ पे इमेज भी बनी हुई है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 4 रक्त वर्ग होते हैं, ए बी ए बी ओ। ठीक है, ए बी जिसमें सर्वग्राही होता है और वो आपका सर्वदाता होता है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, पूर्व विश्व बैंक के अर्थशास्त्री उमर अल रज्जाज ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में शपथ ली है। तो देखिए, हाल ही में उमर अल रज्जाज ने जॉर्डन देश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, देखिए, जॉर्डन देश की राजधानी अम्मान है। ठीक है, अम्मान, और वहां की मुद्रा जॉर्डनी दीनार है। तो देखिए, हाल ही में वहां के राजा अब्दुल्ला ने नई सरकार की मंजूरी की निर्णायक निर्णय के बाद वहाँ के पूर्व विश्व बैंक के जो अर्थशास्त्री हैं उमर अल रज्जाज को जॉर्डन के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। तो देखिए, ये जो प्रधानमंत्री हैं वो जो हाल ही में बने हैं, यहाँ इमेज में आपको दिख रहे हैं, ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाली प्रधानमंत्री हैं और इस वर्ष उनकी उम्र 58 वर्ष हो चुकी है और देश को प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने जो है अपने आप को स्थापित कर लिया है। तो ये आपका 5वां प्रश्न कंप्लीट हुआ, जॉर्डन देश के प्रधानमंत्री हाल ही में उमर अल रज्जाज बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कौन सी महिला खिलाड़ी इंग्लैंड में किया सुपर लीग खेलने वाली पहली महिला भारतीय बनी। तो देखिए, यहाँ पर आपको देखना होगा, इंग्लैंड में किया सुपर लीग एक सुपर लीग का नाम है, जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया में आईपीएल खेला जाता है, उसी प्रकार से महिलाओं के लिए इंग्लैंड में किया सुपर लीग खेला जाता है। तो वहां पर ऐसा टूर्नामेंट खेलने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी, तो इसका देखिए जो राइट आंसर है, स्मृति मंधाना ऐसा टूर्नामेंट खेलने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, स्मृति को वेस्टर्न स्टॉर्म टीम ने वहां पर चुना है और उस टीम में इनको शामिल किया गया है। तो 21 वर्षीय भारत की सलामी बल्लेबाज हैं जिन्होंने 40 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 76 रन की उच्चतम स्कोर के साथ कुल 826 रन बना चुकी हैं, इसलिए उनको अच्छे प्रदर्शन के कारण चुना गया है। देखिए, यहाँ पर जो इमेज में दिख रही हैं वही स्मृति मंधाना है, भारत की एक बहुत ही अच्छी बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे में सन 2013 में डेब्यू किया था बांग्लादेश के विरुद्ध और टेस्ट में सन 2014 में डेब्यू किया था इंग्लैंड के विरुद्ध और 2016 की आईसीसी महिला टीम में एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी चुनी गई थी। ठीक है, आईसीसी की जो महिला टीम थी उसमें 2016 की टीम में इनको चुना गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए, 7 क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ फिल्म समारोह की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो देखिए, यूरोपीय संघ के फिल्म समारोह की मेजबानी भारत करेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव यानी ईयूएफएफ
नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और 24 नवीनतम यूरोपीय फिल्मों के चयन के लिए इंडिया में इसका समारोह का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो भारत का जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है उसके निर्देश पर इसका आयोजन किया जाएगा। और देखिए, महोत्सव का जो उद्घाटन है वो माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के द्वारा किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर यूरोपियन संघ की बात आई है तो आपको जानना जरूरी होगा कि जो यूरोपियन यूनियन है यानी ईयू, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईयू। तो देखिए, ईयू एक 28 देशों का संघ है जो कि यूरोपीय देश है, यानी 28 देशों का यूनियन है और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ इसकी आबादी चीन और भारत के बाद तीसरी सबसे बड़ी है। ठीक है, यहाँ पर संघ की बात कर रहे हैं, इस पूरे यूनियन की अगर हम जनसंख्या की बात करेंगे तो चीन और भारत के बाद तीसरा स्थान है, और अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाती है यूनियन के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, 8 क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में बाढ़ प्रबंधन अभ्यास आयोजित किया गया? तो देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रबंधन अभ्यास आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। तो देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राज्य आपातकालीन ऑपरेशन सेंटर में एक टेबल टॉप अभ्यास किया गया, और ये जो अभ्यास है वो बाढ़ की तैयारी पर उत्तर प्रदेश के 23 बाढ़ संभावित जिलों में होने वाली राज्य स्तरीय कृत्रिम अभ्यास के लिए आयोजित किया गया था। यानी कि एक अभ्यास किया गया, अगर बाढ़ आती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। ठीक है, तो ये जो अभ्यास है वो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा फुटबॉल विश्व कप का आगाज किस देश में हुआ? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि फुटबॉल का टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप है, शुरू हो चुका है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं फीफा। फीफा, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप एक फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, तो इसका जो राइट आंसर है, फीफा फुटबॉल विश्व कप का आगाज हाल ही में रूस देश में हुआ है। ठीक है, और इसका मेजबान देश रूस है जिसमें कुल 32 टीमें भाग ले रही हैं, और हाल ही में 14 जून को इस विश्व कप का आगाज हो चुका है। ठीक है, 14 जून को हो चुका है, और इसमें जो है काफी टीमों की यहाँ पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी यहाँ पर इस टूर्नामेंट के बाद संन्यास ले लेंगे, जैसे कि लियोनेल मेसी, रोनाल्डो। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है और इसका फाइनल 15 जुलाई को होगा। ठीक है, 15 जुलाई को इसका फाइनल हो जाएगा। और अगले, अगर हम बात करें अगले वर्ल्ड कप की, तो 2002 में कतर देश अगले फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। लेकिन इसी बीच ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का ये है कि फीफा वर्ल्ड कप में, जो अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है रूस में जो आयोजित किया जा रहा है, उसका शुभंकर क्या है? ठीक है, शुभंकर एक ऐसा शब्द है, ये बहुत ही आपको याद होना चाहिए। शुभंकर मतलब एक एक तरह से लोगो बना सकते हैं उसका हम। ठीक है, तो शुभंकर क्या है? फुटबॉल खेलने वाला भेड़िया। ठीक है, जिसका नाम क्या है वो आपको पता होना चाहिए, तो उसका नाम है जबी वाका। ठीक है, जबी वाका, ये फुटबॉल विश्व कप का शुभंकर है इस वर्ष का, इसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो 9वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आगे आने वाली एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो का आपका अंतिम प्रश्न है, किस राज्य पर, किस स्थान पर राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव पारित हुआ? तो देखिए, हाल ही में दिल्ली में, ठीक है, यानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय स्थापित करने का जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया है। ठीक है, तो देखिए, 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक भाषण दिया गया था कि 6 जनजाति स्मारक स्थापित किए जाएंगे, संग्रहालय भी स्थापित किए जाएंगे। तो इसी क्रम में हाल ही में नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव अब पारित हुआ 2016 के बाद, अब 2018 शुरू हो चुका है, यानी कि 2 साल बाद। ठीक है, तो संग्रहालय जो है वो जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने के पहले ही नीति आयोग को, जो है नीति आयोग ने हाल ही में इस पर अपना प्रस्ताव पारित कर दिया था, अब ये पूर्ण रूप से पारित हो चुका है। तो 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ये रहे आज की वीडियो के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे भी इस चैनल पर आपको केवल केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सेलेक्ट करके आपको दिए जाते हैं, और आप देखते हैं कल की कुछ का उत्तर। तो कल आपसे पूछा गया था, स्वच्छ आइकोनिक प्लेस प्रोजेक्ट के तहत 4 मीनार को किस कंपनी ने अपनाया है? तो आंसर है NTPC। अब देखते हैं आज की क्विज का सवाल। तो देखिए, आज की क्विज है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर कौन बने? तो 4 ऑप्शन है, बीपी कानून को, एन एस
विश्वनाथन महेश कुमार जैन, वीपी आचार्य। तो जो भी आपको आंसर आता है प्लीज कमेंट करना ना भूलें, थोड़ा सा टफ हो सकता है। अगर आपने वीडियो को सही से देखा है पिछली वीडियोस को, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। और मई की करंट अफेयर आपके सामने एंड स्क्रीन पर है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।